इस वीडियो में आप सीखेंगे कि छेनी का प्रयोग कैसे किया जाता है। अतिरिक्त सूखे मसाले और बाहर निकली हुई ईंटों को काटकर दीवार के असमान हिस्सों को समतल बनाने के लिए छेनी और हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। अपने सुरक्षा दस्ताने, सुरक्षा चश्मे और सुरक्षा मास्क को पहनना न भूलें। छेनी का प्रयोग करने के लिए धार को नीचे की ओर रखते हुए इसके हत्थों को पकड़े और दूसरे हाथ से हथौड़ा उठाएं। दोनों उपकरणों को मजबूती से पकड़े। दीवार की सतह के साथ छोटा कोण बनाते हुए छेनी रखें और उसके सिर पर हथौड़े से चोट करें। अपनी लाइन से बाहर निकले हुए ईंट के हिस्सों को छेनी से काटकर निकालने के लिए पतली परतों में काटते हुए धीरे धीरे हटाएं, ताकि आप आवश्यकता से अधिक हिस्सों को न तोड़ दें। सूखे मसाले के अतिरिक्त हिस्सों को छेनी से हटाने के दौरान मसाले की तहों और जोड़ों को न तोड़ें। दीवार को छेनी से काटने के बाद जमीन से धूल साफ करें और कार्यक्षेत्र को साफ बनाए रखें। अब आपने छेनी का प्रयोग करना सीख लिया है।